सी बेटे, हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन है दैट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विल नॉट कम इन एग्जाम एज इट इज नॉट इन. देखो बेटे, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हक्कल रूल को फॉलो करता है. मैं हक्कल रूल नहीं पता. नहीं, नहीं ना पता क्या होता है हक्कल रूल. मैंने सुना है ना ऑनलाइन में. ये दो तीन बच्चे सुनने वाले थे. बेंजीन है बेटे, एरोमेटिक कंपाउंड है. तो मैंने आपको थोड़े थोड़े एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर भी करवाए थे. दिस इज वन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन. बेंजीन के अगर हम एक पोजीशन पे CH3 लगा दे तो क्या कहते हैं इसको, टॉलवीन. अगर एक और CH3 लगा दे तो क्या बोलेंगे, ज़ाइलीन. अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा होगा तो ऑर्थो ज़ाइलीन. अगर मेटा पोजीशन पे CH3 लगा होता मेटा ज़ाइलीन. अगर पैरा पोजीशन पे CH3 लगा होगा तो पैरा ज़ाइलीन. ठीक है जी, ये कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर जो मैं करवाने जा रही हूँ आपको आना चाहिए. हिमांशु इवन एंटी एरोमेटिक भी मुझे बता रहा है, दैट इज 4N. ठीक है, ओके. तो ये बेटे ज़ाइलीन है. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नेम है जो आपको लर्न होने चाहिए, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस, अगर मैं फिनोल के ये मैं बाद में लगाती हूँ. व्हाट इज दिस, बेंजाल्डिहाइड. बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा है, दैट इज अ बेंजाल्डिहाइड. नाउ व्हाट इज दिस, बेंजोइक एसिड. अब फिनॉल के अगर यहाँ पे CHO लगा दो तो व्हाट इज दिस, फिनॉल के साथ अगर हमने एक CHO लगा दिया तो क्या बोलेंगे इसको, हाँ ऑर्थो के हिसाब से बोलो. यस, ट्राई टू स्पीक. आप प्रेफरेंस अल्कोहल ग्रुप को देते हो या प्रेफरेंस एल्डिहाइड ग्रुप को. तो जो OH ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट. तो OH ऑर्थो, देखो बेटे जब आप ये जरूरी नहीं है कि ऑर्थो पोजीशन ये है, ये आप बात समझो पहले. ऑर्थो ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है ना वो ऑर्थो है. अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये इसकी ऑर्थो है, तब आप काउंटिंग यहां से शुरू करते हो. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पैरा है, ये मेटा है. 1, 2, 3 ये क्या होगी, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और वो पैरा है. तो आपने पहले ये टैग करवाया, वो जब OSCH होगा तो देखिए प्रेफरेंस उसको मिलेगी. वो बेटे आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जब आप मतलब बैचलर्स की स्टडी करते हो, ये JEE की होती है, होता है क्यों नहीं होता, होएगा. दोनों ग्रुप को देखा जाएगा. ठीक है, अब क्या नेम दोगे इसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. यही बोलोगे कि नहीं बोलना, कोशिश करो आप इसको. ऑर्थो तो लिखो ना बेटे, मैं इसलिए दोबारा करवा रही हूँ. ये चीजें हम रिवीजन क्लासेस में नहीं करवाते, रिवीजन क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मगर इस बार ही हमारे पास बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं. कुछ कुछ हमें चैप्टर भी नहीं पता, तो इसलिए हम दोबारा करवा रहे हैं आपको, क्योंकि हमें 12th में भी इसकी नीड है.
ठीक है, ये स्ट्रक्चर ट्वेल्थ में आएगा, तब आपको कन्वर्जन्स आती हैं, कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड, इसे सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है जी। सैलिसाइल्डिहाइड कहाँ से है? कन्वर्जन तो हर में है, तो इसका नेम आपको पता होना चाहिए बेटे। ऐसे चाहे आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भूल जाओ, पर आपने सैलिसाइल्डिहाइड नहीं भूलना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको ये बोला जाएगा कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। जो मैं अभी एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर करवा रही हूँ वो उन्हीं की करवाई जा रहे हैं बेसिकली, जो 12th तक आपके कंटिन्यू रहते हैं, समझ आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने मर्जी बना लो, जो इच्छा आपकी जितने मैं मर्जी बनाई जाऊं, ठीक है। अब ये क्या है, हाँ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, इट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। मैं अंक देख के ऑर्गेनिक कभी नहीं आती, जिस जब मैं कहती हूँ ना अब लिखना शुरू कर दो, तब वो आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपने स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, रिएक्शन लिखनी होती है, ये देख के नहीं आती। फिजिकल समझने की बातें होती हैं, इनऑर्गेनिक समझने की बातें होती है, ऑर्गेनिक जब तक आप राइटिंग में नहीं लेके आते नहीं होती। ये सैलिसिलिक एसिड है, आपको पता है जितने भी ये जो जो एक्ने के आपके फेस वॉशेज आते हैं उसमें यही एसिड होता है, आप पढ़ा करो, जो एक्ने के फेस वॉशेज होंगे तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट यही होता है सैलिसिलिक। फिर क्या करेगा ये? चलो नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज दिस? बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाओगे तो एनिलीन, सुना हुआ है हमने ना, नहीं वो अगर CONH2 दैट इज बेंजामाइन, ठीक है जी। ये हो गया आपका एनिलीन, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है क्लास 12th में, फिनॉल भी है, एनिलीन भी है, ठीक है। ये चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ये ऐसे ब्लैंक बैठोगे अब इसके बाद, क्योंकि 2 महीने के बाद आपने 12th में हमने आपको देखना है, और उसमें हाफ बुक है ऑर्गेनिक की। अच्छा नेक्स्ट बेटे, आपको पता है ये क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, और भी करवा देते हैं। अच्छा अगर मैं ऐसे बना दू ये क्या होता है? इसे बोलते हैं बेटे बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड, इसको इंक्लूड करते हैं, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन तो खुद अपने आप सर्कुलेट करती रहती है, बेंजीन के ऊपर कुछ लगाते हो प्लस आर माइनस आर बनता, बेंजीन तो डिपेंड है कि उसके साथ कौन लगा है, जो लगे उसको इलेक्ट्रॉन उससे खींचना शुरू कर देता है, मर्जी है तो अगर देना है उसने खींचना है तो जो उसकी डिपेंड है बेटे, और कैटायन लगा होगा तो देना शुरू कर देगी, एनायन लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में जाना शुरू हो जाएंगे, एम्फोटेरिक प्लस फाइनल दोनों बेटे, ये नहीं होती, इसके ऊपर जो लगा है ग्रुप वो इसको बनाता है, समझ गए। अच्छा अगर हम बेटे दो
CH दो हाइड्रोजन रिमूव कर दे और दो क्लोरीन ले। देखो पहले टोलुइन बनाया आपने CH3, उसमें से जब एक H रिमूव किया और Cl लेके आए तो हमने बेंजाइल बोलते हैं इसको। जब 2H रिमूव करके Cl लेके आए तो बेंजल, क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। इसको कोई भी लेके आओगे तो ये हो जाएगा बेंजल, इसको, इस ग्रुप को एक्चुअली इसे बेंजल बोलते हैं। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिमूव करके कोई ग्रुप लेके आते हैं हम यहां पे तो इसे बोलते हैं बेंजो, इसे बोला जाता है बेंजो। हाँ तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये नहीं कि हमने एग्जाम में आपको डालना है नॉर्मल क्लिच है, ये इसलिए करवाया जा रहा है कि ये ट्वेल्थ में काम आएगा आपको, समझ आ रही है। क्योंकि ट्वेल्थ में जब कन्वर्जन्स करोगे हमने फिर से आपको ये चीजें नहीं बतानी, हम नहीं बताएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। हमने यही स्टेटमेंट बोलना है, यू हैव डन इन क्लास 11th। हाँ इसलिए याद कर लो अभी से। बेंजल, बेंजल, बेंजो। एक ये भी करो बेटे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। खत्म तो ये कभी नहीं होंगे, एरोमेटिक इतने हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये इसको कहते हैं क्यूमीन, क्या बोलते हैं, क्यूमीन। इसको क्यूमीन ही याद रखो क्योंकि ये आएगा, दैट इज क्यूमीन। मैं कम बोलते हैं, डाइजेस्ट पूछने का भी होता है। मैं आपको ये बताऊं, 11th स्टैंडर्ड में जितना कम बोलोगे, ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा नॉलेज गेन होती है। डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बोल बताना भी नहीं हमें क्या आता है, चुपचाप मीसने बन जाओ। ठीक है जी, क्यूमीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। ओके आंसर देने हैं, क्यों नहीं देने, टीचर को तो पता चल जाता है भाई, टीचर्स को शक्लों पे पता चल जाता है किसको कितना आता है, कौन सुन रहा है क्लास में अच्छे से, कौन बस ये क्वेश्चन पूछने के लिए सुनता है, कोई सच्ची में सुनता है, किसको कुछ नहीं समझ आ रही, कोशिश कर रहा है सुनने की, वो भी हमें समझ आ रही होती है। ठीक है, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेटे, जो हमने इस बारी भी बनाई थी, व्हाट इज दिस, आइसोलेशन में बनाई थी ना, क्या बनाया था, ये एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, या हम बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि इस पे मिथाइल भी है। जब बेटे बेंजीन के ऊपर बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है खुद ही, तो बेंजीन नहीं बोलते, उसके लिए हम फिनाइल वर्ड यूज करते हैं, बेंजीन को ही फिनाइल कहना शुरू कर देते हैं एज ए जब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मगर ये आप कम यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे इसको, एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये तो सबको आना चाहिए। मैं तो
नाइट्रोबेंजीन, दिस इज सिंपल वन। तो आपके बेटे जब आप ट्वेल्थ में होगे तो हेलो अरीन्स हैं, मतलब हेलोजन लगाओगे ऊपर, एल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं, नाइट्रो है, एनएच टू ग्रुप है, इसके अलावा भी लगाना सीख लोगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी जब हमने कब बोलना है ना। तो ये धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान में आनी शुरू होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने बेंजामाइड बोला था, तो बेंजामाइड, दिस इज अमाइड, यू नो ये माइड होता है ना, तो ये बेंजामाइड, ये मी होता है, इसलिए ये एनिलीन है। गोला भी पा सकते हो, जो मर्जी करो, कोई नहीं गलत करेगा। रिजिडिटी छोड़ो, कंसेप्चुअल क्लियर करो, आप रिजिड ना हुआ करो कि हमने ये बुक से ये ही स्टडी किया है। अब ये कंसेप्ट है तो कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमें जब ये चैप्टर स्टार्ट किया आफ्टर डूइंग नोमेनक्लेचर, हमने कहा कि कैकुले ने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया। कैकुले ने ये कहा कि बेंजीन में अल्टरनेट ट्रिपल डबल बॉन्ड्स है, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, उसने रेजोनेंस का कोई कंसेप्ट नहीं हमें दिया, है ना। तो जब हमने उसकी अगर मतलब मान लो आप हेलोजनेशन करवाते हो, क्लोरीन लगाते हो, तो हमने कहा कि इसका मतलब ये दो टाइप के कंपाउंड्स बनने चाहिए, वो दो टाइप के, जैसे कि अगर मैं, अगर कैकुले ये कहते हैं कि ये चीज है, क्योंकि इसको याद नहीं करना, सिर्फ जो पुरानी चीजें उसको समझ लेना होता है बस, आपने मेनली जो अब स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखना है, वो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया, तो हमने कहा अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे ऐड करूँ तो ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और अगर क्लोरीन यहाँ पे ऐड करो तो ये डिफरेंट चीज है, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐड होगा और डबल बॉन्ड के, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन लेके आए तो सी ये डबल बॉन्ड के आसपास ऐड कर रहा है, वो सिंगल बॉन्ड। तो कैकुले ने ये कहा हाँ जी ये दो स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। उसने कह तो दिया कि आइसोमर होने चाहिए, कि सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, मगर जब इसको स्टडी किया गया तो हमने देखा कि अगर इसको एक हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर माने कि ये ट्राइईन है, साइक्लोहेक्साट्राइईन है जो कैकुले ने दिया, है ना। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई तो इसकी जो हाइड्रोजनेशन करवाई, जो एनर्जी इवॉल्व हुई, जितनी इवॉल्व होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। देखो किसी चीज में से एनर्जी इवॉल्व जितनी होगी उतनी इवॉल्व होगी ना। अब आपको जितनी मैं एक बॉटल ग्लूकोज की चढ़ाऊंगी तो उतनी एनर्जी दोगे ना, अगर दो चढ़ी होंगी तो ज्यादा एनर्जी दोगे, एक चपाती की एनर्जी डिफरेंट होगी, दो चपाती की डिफरेंट होगी। अब अगर एनर्जी इवॉल्व कम हो रही है किसी चीज में, ठीक है, इसका मतलब उसमें एनर्जी भी कम है। अब केमिस्ट्री के हिसाब से जिसमें एनर्जी कम है वो स्टेबल है, केमिस्ट्री ये कहती है कि जिसमें एनर्जी ज्यादा वो एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें एनर्जी कम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में। अब ये ऐसा क्यों है कि हम अगर सोच रहे हैं कि एक साइक्लोहेक्साट्राइन एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये एनर्जी होनी चाहिए, उससे कम क्यों आ रही है, तो फिर रेजोनेंस का कंसेप्ट कि ये डबल बॉन्ड रुके नहीं हुए, ये रेजोनेटिंग में, जब चीज कोई रेजोनेटिंग में होगी, वर्क डन कर रही है ना, वर्क डन कर रही है। आप थर्मोडायनेमिक अगर कंसेप्ट मानने तो जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो देयर इज अ वर्क डन समवेयर, जब वर्क डन हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी कम हो रही है, जब कम एनर्जी कम हो रही है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, जब इलेक्ट्रो एनर्जी गेन करता है तो लोअर से हायर लेवल तक एक्साइट करता है, जब बैक आता है तो एनर्जी इमिट करता है, तभी हम उसको स्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट आया कि इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो रुके नहीं हुए, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो एनर्जी है वो 150 किलो जाउल पर मोल कम है जितनी होनी चाहिए उससे। तो हमने इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, जो भी साइंटिस्ट ने आके, हक्कल ने आके,
उसने ये कहा कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा है। जरा लिखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो, ये मैंने ऑनलाइन क्लास में सब करवाया आपने, लिखो जरा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हरी अप। यस जतिन, वन फिनाइल, वन मिथेन नहीं कह सकते बेटे, वन मिथेन नहीं कह सकते। मिथेन सब्स्टिट्यूएंट के लिए नहीं यूज होता। लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई आपकी? तो हमारी, अगर हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखे बेटे, दैट इज 2s2 2p2, तो एक्साइटेड क्या हो जाएगी? ये एक्साइटेड तो यही हो जाएगी। अब इसमें से हर एक कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ऐसे पड़ा। जो चीज हाइब्रिडाइजेशन चलेगी, इसका मतलब ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो सेम शेप के बन गए, सेम साइज के बन गए, सेम एनर्जी के बन गए, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो वैसे का वैसे है कि नहीं है? और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कंसेप्ट याद हो, sp लीनियर है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं है? तो हर एक कार्बन क्या है? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हर एक कार्बन के ये वाले ऑर्बिटल बनेंगे ना, ये देखो, एक ये और एक ये तीन ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे हर एक कार्बन। हमने अनहाइब्रिडाइज्ड की अभी बात ही नहीं करी। तो बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कितने हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, और सब में क्या है? वन वन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब हर एक कार्बन अपने नेबरिंग कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप है, फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप है। हर एक कार्बन इसके साथ ओवरलैप है और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप। तो दिखाओ भी ओवरलैपिंग है, सबकी दिखाओ। तो ये sp2 है, ये सिंगल बॉन्ड है, समझ आ गई? अब रह गया हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना? तो पाई कैसे है? अब सब में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, तो ये आप अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना भी। अब ये बेटे कार्बन है, मैंने कार्बन को ऐसे, हेक्सागन को ऐसे दिखा दिया कि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना इजी हो जाए। ठीक है जी। अब ये सारे कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ठीक? ये हाइब्रिडाइजेशन थी, ये अनहाइब्रिडाइज है। अनहाइब्रिडाइज के तो दोनों लोब इक्वल है, लोब्स में कोई चेंज नहीं है, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, ये कौन सा बनाता है? पाई। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की हमें दो दो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, ये दोनों कार्बन भी साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों भी कर सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट में हम कहें कि ये दोनों ओवरलैप, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहा है, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर सकता है, ऐसे हो सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करे,
तो फिर इन दोनों को ओवरलैप करेगा, फिर इन दोनों को ओवरलैप करेगा, दोनों हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन रुके नहीं हुए हैं, क्लाउड तो जैसे मर्जी ओवरलैप कर जाए। ऑर्बिटल कंसेप्ट पे पहुंच गए हो आप, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, रोक थोड़ी ना रखा आपने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस चीज में, तो इलेक्ट्रॉन का दो क्लाउड जैसे मर्जी मिक्स कर जाए उस एट ए टाइम। समझ आ रही है? तो सेकंड प्रोबेबिलिटी आपकी, आपको पता ही हो सकती है, अब ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग दिखा सकते हो आप, ये दोनों ओवरलैप करें है ना, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड रुका नहीं हुआ, ये रेजोनेटिंग है, कभी दो कभी ये कभी वो, ऐसे जब ये ऐसे चल रहे हैं तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हम हुंस रूल में कहते थे ना कि अब क्या है, आप सिक्स स्टूडेंट्स हो, ऑल्टरनेट स्टूडेंट पे ना ब्रिक्स पड़ी हैं, तो आप वर्क डन कर रहे हो, एक की ब्रिक उसके सिर पे भेज रहे हो, दूसरे की तीसरे, इससे आप भी रिलैक्स हो जाते हो, आपका भार कम होता है, ठीक है, एनर्जी भी थोड़ी आपकी कंज्यूम होती है, तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी, थक जाओगे स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, आराम से रेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये जब रेजोनेंस होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मूव करता जाता है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट बेंजीन से आ गया हमारे पास। अब रेजोनेंस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व हो, रेजोनेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे हम कर चुके प्लस आर माइनस आर, इलेक्ट्रॉन भेजे भी थे खींचे भी थे। ठीक है, अब इन्हें कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किनको कहा जाता है? एक तो जिनका स्ट्रक्चर प्लेनर हो, एक ही प्लेन में ये सारे कार्बन एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये नहीं कि एक एक्स एक्सिस पे लाई करे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, ये रूल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, स्ट्रक्चर आपके प्लेनर होने चाहिए, और डी लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। अगर डी लोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की नहीं है, चाहे स्ट्रक्चर प्लेनर है, तब भी इसको एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कंसीडर करा जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हक्कल रूल को फॉलो करे, जो है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अगर n की वैल्यू आप 0 से लेके कुछ भी फिल करते रहो, तो उतने पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। जैसे कि बेंजीन में अगर n की वैल्यू आप 1 फीड कर देते हो, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यस, 3 पाई बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब बनाओ नेफ्थलीन, बनाओ जल्दी नेफ्थलीन बनाओ, टाइम इज अप। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल में बारे में बताऊंगी, प्रैक्टिकल पीयर्स मंदीप मैम लेंगे आपके, एज शी इज टेकिंग।